नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पंचायती राज न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने नागौर के कुचेरा में खीवसर विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी रेवत राम डांगा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, मंच पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, मंत्री विजय सिंह, मंत्री सुरेश रावत, मंत्री गजेंद्र सिंह, खीवसर महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष रामनिवास सांखला ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पेपर लीक प्रकरण के आरोपियों पर शिकंजा कसने का काम किया है। इसके साथ ही अब एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। इसके साथ किसना सम्मान की राशि भी बढ़ाई है, किसान सम्मान की राशि भी बढ़ाई है। इसके साथ किसानों को पर्याप्त बिजली देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हनुमान बेनीवाल पर आरोप लगाते हुए बोला कि वह अभी बीजेपी या कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं। वहीं कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। इसके साथ ही कांग्रेस के राज में राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ी रही। मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा प्रत्याशी रेवत राम डांगा के पक्ष में मत समर्थन की अपील करते हुए कहा कि खीवसर की जनता को सत्ता में भागीदारी निभानी चाहिए। इसके साथ ही भाजपा प्रत्याशी को जीतकर विधानसभा में भेजे। किसानों के प्रतिनिधियों की भागीदारी नहीं होगी जब तक किसान और मजदूर की सुनने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि मैं किसान के दर्द को जानता हूं और हमारे रेवत राम जी किसान के दर्द को जानते हैं। इसलिए मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, अगर आप खीवसर का विकास चाहते हैं, नागर का विकास चाहते हैं, तो ऐसा भोला आदमी, ऐसा सीधा आदमी आज भी मेरे से कान में कह रहे थे कि साहब मेरे खीवसर में ये हो जाना चाहिए, मेरे कुचेरा में ये हो जाना चाहिए, छोटी छोटी लीजें भी हो जानी चाहिए, पीने के लिए पानी भी हो जाना चाहिए, और वो कह रहे थे तहसील भी हो जानी चाहिए, अस्पताल भी हो जाना चाहिए। अब आप देख लीजिए कि आपको चिंता कितनी है कि वो, मैं कह रहा हूं आप चुनाव की बात, मेरे भाई और बहनों, ये व्यक्ति ऐसा है कि नंगे पैर भी आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार की भागीदारी, डबल इंजन की सरकार का लाभ खीवसर की जनता को मिले, कुचेरा की जनता को मिले, नागौर की जनता को मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को रेवत राम डांगा जी जैसा प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा। इनको जिता करके अपने विकास में सहभागिता निभाएं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, ये व्यक्ति ऐसा है कि नंगे पैर भी आपकी सेवा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार की भागीदारी, डबल इंजन की सरकार का लाभ खीवसर की जनता को मिले, कुचेरा की जनता को मिले, नागौर की जनता को मिले। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को रेवत राम डांगा जी जैसा प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा। इनको जिता करके अपने विकास में सहभागिता निभाएं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।